हेलो पीपल, कैसे आप सभी लोग? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। सो सीएम फाइनल लेवल पे एक रिविजनरी वीडियो अपील्स का मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगा। आप पूरी चीज चेक कर सकते हो और टेलीग्राम पे केसीफाइंग टैक्स में जा करके सीएम फाइनल के टैप के अंदर में आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे हाईलाइटेड पूरे, आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। टॉपिक एबीसी एनालिसिस का जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके हिसाब से सी टाइप में आता है यूजुअली, ए और बी में नहीं आता है। ये असेसमेंट वाला पार्ट आ सकता है ए और बी के अंदर में, अपील वाला पार्ट यूजुअली नहीं आता है। ठीक है, आइएगा अपील के अंदर में जाते हैं। ठीक है, चलिए। सो इन केस ऑफ अपील्स पहले तो ये समझने की कोशिश करिएगा, कोई व्यक्ति जो एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड पार्टी विल बी एबल टू गो फॉर एन अपील। नाउ एग्रीव्ड पार्टी कौन हो सकता है? एग्रीव्ड पार्टी कौन हो सकता है? टैक्स पेयर हो सकता है यूजुअली, एसएससी हो सकता है। तो मेरा असेसमेंट चल रहा है सपोज, या कोई डिमांड चल रहा है, रिकवरी प्रोसीडिंग चल रहा है, और उसके तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है मेरी या प्रॉपर ऑफिसर जो है मेरा, इन्होंने एक ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर के हिसाब से मुझे लगता है यार मेरे ऊपर थोड़ा सा इनजस्टिस किया जा रहा है, ये तो गलत कर रहे हैं मेरे साथ, प्रॉपरली चेक नहीं किया है ऑफिसर, कुछ तो गड़बड़ कर रहा था। एक काम करते हैं, हायर अथॉरिटी के पास जाकर के अपील करते हैं। तो आप किसके पास जाके अपील कर सकते हो? अब अपील के अंदर में भी आपने अभी तक अगर इतनी सारी चीजें देखी है या मेरे साथ अपने डिमांड रिकवरी वाले वीडियोस देखे होंगे, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसमें अपेलेट अथॉरिटी करके कुछ होता है, अपेलेट ट्रिब्यूनल करके कुछ होता है, राइट? उसके अलावा अपेलेट अथॉरिटी, अपेलेट ट्रिब्यूनल, देन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसी चीजें होती है। तो व्हाट एग्जैक्टली आर वी टॉकिंग अबाउट, राइट? तो यहां पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है ये फाइल कर सकती है, अगर उससे एग्रीव्ड है डिसीजन हमारा, तो हम जा सकते हैं अपेलेट अथॉरिटी के पास, दैट इज कमिश्नर अपील्स, ऑल्सो कॉल्ड एज एए इन शॉर्ट, अपेलेट अथॉरिटी। ठीक है, सो इसके बाद आइए नीचे। It is to be noted that no appeals can be filed against the following orders. क्या बोलता है ये? No appeals can be filed. किसके regarding no appeals file हो सकता है? पहला, board can fix monetary limits below which no departmental appeal would be filed. तो कोई monetary limit fix की जा सकती है, अभी तक यहाँ कुछ बताया नहीं है, but ऐसा हो सकता है। ठीक है, and order of the commissioner or order other authority empowered to direct transfer of proceedings from one officer to another. कमिश्नर ने ऑर्डर दे दिया कि यार इसको ऐसे हम कर रहे हैं, तो उसके आगे आप अपील नहीं कर सकते हो। एंड ऑर्डर पर्टेनिंग टू सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो एक ऑर्डर दिया गया है ऑफिसर ने, जिसके तहत वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सीज कर रहे हैं या कोई गुड्स वगैरह आपके डिटेन कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में आप बुक्स नहीं, बेसिकली मतलब गुड्स नहीं, बेसिकली बुक्स की बात हो रही है, रजिस्टर्स की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, एंड ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन, ऑर्डर पास अंडर सेक्शन नंबर 80 जो है इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे करना, इनके केसेस में आप अपील नहीं कर सकते हो। सर याद करने जैसा है? हाँ बिल्कुल, एमसीक्यू टाइप में आ सकता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो फिक्स्ड लिमिट दिया गया है कमिश्नर के ऑर्डर के थ्रू, सीजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स खास करके प्रोसिक्यूशन के केस में, और इंस्टॉलमेंट में अगर आप टैक्स पे करने की बात कर रहे हो और आप नहीं पे कर रहे हो, इन सभी के केस में अपील नहीं किया जा सकता, अपील कैन नॉट बी मेड। तो ये मैंने मार्क कर लिया, आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाता, मैं सीधा आगे बढ़ता हूं। कॉमन सेंस है, आपको शायद पता भी होगा ये, बट स्टिल देख लेते हैं। क्या हमने सेंट्रल और स्टेट दोनों अथॉरिटीज को अपील करना चाहिए या सिर्फ एक ही अथॉरिटीज को? क्लेरिफिकेशन आया है सीबीआईसी का, जो बोलता है नो, आप सेंटर में चले गए तो सेंटर में ही जाइए, इट इज एज गुड एज आपका जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा वो स्टेट में जाएगा। सो ऑल्सो इफ एनी ऑर्डर इज पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑफ एसजीएसटी, एनी अपील कैन बी मेड द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ एसजीएसटी ओनली। ठीक है, आप सेंटर का स्टेट में मर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो यहां पे सिंपल केसेस में दिया हुआ है। आप लास्ट लाइन अगर देखिए, एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स दैट वेयर एन प्रॉपर ऑफिसर अंडर वन एक्ट से सीजीएसटी हैज पास्ड एन ऑर्डर, एनी अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन एक्सेट्रा अगेंस्ट दिस सेड ऑर्डर ओनली लाइज विद द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ सीजीएसटी एक्ट ओनली। एसजीएसटी का कहां जाएगा? एसजीएसटी के अंदर में जाएगा, राइट? तो दोनों अथॉरिटीज को अपील नहीं कर सकते, स्टेट का स्टेट को अपील करिए, सेंटर का सेंटर को अपील करिए। अगर यहां तक क्लियर है तो ए टाइप करिए चैट बॉक्स में, जो लोग लाइव में देख रहे हो ए टाइप करिए चैट बॉक्स में। आइए, बहुत बढ़िया सा एक समरी चार्ट दिया हुआ है आप ही के स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट के। क्या बोलता है ये? पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट, या फिर पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर ऑफ एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर। क्यों ये स्पेसिफिक कमिश्नर्स दिए हुए? आपको याद होगा डिमांड रिकवरी के अंदर हमने देखा था 73-74 के अंदर में टाइम पैसे का लिमिट दिया गया था कि अगर टैक्स इविजन है 20 लाख के अंदर, 2 करोड़ तक, 5 करोड़ तक, 5 करोड़ के ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस केसेस के अंदर में कौन राइट रखता है
नोटिस भेजने का, ज्वाइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये सब थे। तो आपने प्री डिपॉजिट करना है 10% ऑफ द अमाउंट, प्री डिपॉजिट करना है 10% ऑफ द अमाउंट। आप यहां पे इस केस में जब डेप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर से अगर आप आते हो या सुपरिंटेंडेंट से आते हो, तो यू कैन गो टू ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स। अगर आप एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर से आ सकते हो तो आप जाते हो कमिश्नर अपील्स। ठीक है, यहां ज्वाइंट कमिश्नर अपील था या एडिशनल या अपील्स था। अब इससे अगर आगे फिर से अपील करना चाहते हो, उसके बाद आप इनके आगे अपील करना चाहते हो अगर आप, तो आपको 20% डिपॉजिट करना पड़ेगा और आप जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। और मेनली अगर 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 डिस्प्यूट्स आर रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई तो आप प्रिंसिपल बेंच पे जाइए, अगर नहीं तो आप स्टेट बेंच के अंदर में जाइए। प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग नहीं है तो आप स्टेट बेंच के अंदर में जाइए। सर जी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जो भी हम पढ़ रहे हैं इसके नीचे अमेंडमेंट है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st August 2023। ठीक है, आपके अटेम्प्ट के लिए टेस्ट किया जा सकता है। अगर आपका इशू प्लेस ऑफ सप्लाई रिगार्डिंग नहीं है तो आप स्टेट बेंच में जाइए, वहां से आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई तो एक ही स्टेट के बारे में होगा चीज, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं है तो एक ही स्टेट के बारे में होगा, तो आपकी स्टेट का हाईकोर्ट बता देगा। बट अगर प्रिंसिपल बेंच के पास आप जाते हो, चूंकि मेन बेंच आप बोल सकते हो, तो उस केस में आपने जाना है सुप्रीम कोर्ट के पास। हाउएवर स्टेट बेंच से हाईकोर्ट का रास्ता रहते हुए आप सुप्रीम कोर्ट फिर से जा सकते हो, मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिविजनरी अथॉरिटी, कोई भी चीज में रिवीजन करना। ठीक है, एडिशनल, ज्वाइंट या फिर प्रिंसिपल या सिर्फ कमिश्नर पास्ट एन ऑर्डर इधर ऑन हिज ओन मोशन सू मोटो और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ कमिश्नर ऑफ स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरी टैक्स इफ एडजुडिकेशन ऑर्डर इज एरोनियस और प्रीजुडियल विद द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, कोई एरर है या गवर्नमेंट के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा प्रीजुडियल है, उस केस में आप जा सकते हो रिविजनल अथॉरिटी के पास। अच्छा, वहां से आप कहां जा सकते हो डायरेक्टली, अगर रिविजनल अथॉरिटी के पास आप गए तो वहां से आप डायरेक्टली ट्रिब्यूनल जा सकते हो, ये वाला प्रोसेस आपके केस में स्किप कर दिया गया है। ठीक है, अब यहां पे मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट की बात हो रही थी अपनी, कितना डिपॉजिट अमाउंट करना है। ठीक है, तो यहां देखिएगा ध्यान से, यहां पे इन्होंने जहां 10% दिया हुआ है ना, वहां एक एस्टेरिक्स है दोनों केसेस में, और 20% जब ट्रिब्यूनल में जाते हैं तब यहां पे डबल एस्टेरिक्स है। एक एस्टेरिक्स और डबल एस्टेरिक्स की मीनिंग क्या है, देखिए एक एस्टेरिक्स ये बोलता है यहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट इज 25 crores ऑफ सी जीएसटी एंड 25 crores ऑफ एस जीएसटी, और डबल एस्टेरिक्स में मैक्सिमम अमाउंट इज 50 crores ऑफ सी जीएसटी एंड 50 crores ऑफ एस जीएसटी। तो प्री डिपॉजिट जितना भी आपका टैक्स का डिस्प्यूट है उसका कितना परसेंट होगा, 10% या 20% होगा, बट मैक्सिमम 10% के केस में 25 crores ईच है और मैक्सिमम 20% के केस में 50 crores ईच है। टू समराइज समरी अगर हम देखें तो आप अपील कर सकते हो जीएसटी के अंदर। हाँ, कौन से केसेस में और कहां कहां, अगर आप aggrieved हो by the order which is passed by deputy commissioner और assistant commissioner और superintendent, तो आप 10% के pre-deposit के basis पे आप joint commissioner appeals के पास जा सकते हो। ठीक है, अगर आप person हो जो aggrieved है किसी order से जो additional commissioner या joint commissioner ने पास किया हुआ है, आप 10% के pre-deposit के साथ आप commissioner appeals में जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद वहां से आपको अगर फिर आगे जाना है, आप फिर से एग्रीड हो, तो 20% प्री डिपॉजिट के साथ आप जीएसटी ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। बट जीएसटी ट्रिब्यूनल के दो बेंचेस है, प्रिंसिपल बेंच है जो इंडिया का मेन बेंच है और स्टेट बेंचेस है अलग अलग जो एक से ज्यादा है। तो ये बोलता है 1st August 2023 के बाद से अगर देखा जाए तो आप ट्रिब्यूनल में अगर जाओगे आपका मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई रिगार्डिंग है तो वो थोड़ा सा इंटर स्टेट वाला मैटर हो गया, तो आप प्रिंसिपल बेंच के पास जाइए, वो बेहतर है डिसाइड करने के लिए। अगर नहीं तो आप स्टेट बेंच के पास जा सकते हो। बट अगर आप प्रिंसिपल बेंच के पास जाते हो और आप नाखुश हो डिसीजन से ट्रिब्यूनल के, तो आप फर्दर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। बट अगर आप स्टेट बेंच के पास जाते हो तो वहां से आप खुश नहीं हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आपको पहले हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप वो व्यक्ति हो जिसका रिविजन हुआ हुआ है, रिविजनल अथॉरिटी आपको ऑर्डर पास करके दे रहा है, तो आप 20% प्री डिपॉजिट के साथ डायरेक्टली ट्रिब्यूनल जा सकते हो। आपको कमिश्नर अपील, ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये पूरा फ्लो समझने आ गया है आपको, तो मैं चाहूंगा पहले आप इसको एक बार देख ले वापस से ध्यान से, और लाइव में खास करके जिनका हो चुका है आप भी टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक प्रोविजो इंसर्ट किया गया है, अमेंडमेंट नहीं है, पहले से ही था, 2022 में ही आया था, पिछले अटेम्प्ट में इसको पूछा भी गया था इनफैक्ट। सो ये क्या बोलता है, नो अपील शैल बी फाइल अगेंस्ट ऑर्डर मेड अंडर 129(3) अनलेस अ सम ऑफ इक्वल टू 25% ऑफ पेनल्टी हैज बीन पेड बाय द अपेलेंट। अकॉर्डिंगली नो अपील शैल बी फाइल टू अपेलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ 129(3) unless a sum of 25% ऑफ पेनल्टी हैज बीन पेड टू द एप्लीकेंट, इन ऑल द अदर केसेस 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड डिस्प्यूट चल जाएगा। ठीक है, अगर ये याद रहता है ठीक है, नहीं याद रहता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए, अपॉइंटमेंट ऑफ अपेलेट अथॉरिटी। सो
ये रूल 109A ऑफ सीजीएसटी रूल्स के हिसाब से 2018 के अंदर में ये नोटिफाई किया गया था कि हम दो अपील अथॉरिटीज अपॉइंट करेंगे, पहला एडिशनल कमिश्नर अपील्स का, राइट, उसके बाद उसी के अंदर में दिया गया था ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स भी, दूसरा जो था वो था एडिशनल कमिश्नर अपील्स का और उसी के बाजू में दिया गया था आपको ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स, राइट। तो सब रूल वन सब रूल टू के हिसाब से इन्होंने कहा कि हम ये एडिशनल कमिश्नर अपील्स ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स जो है इसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब ये जो प्री डिपॉजिट की बात हो रही है कि यार कंपलसरी आपने प्री डिपॉजिट करना ही है, सर क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, जब तक ये प्री डिपॉजिट करोगे नहीं तो अपेलेट अथॉरिटी आपका अपील सुनेगा ही नहीं। हाँ, प्री डिपॉजिट करने के बाद अगर ऐसा होता है कि अपील आपके फेवर में आ जाता है तो अमाउंट रिफंड किया जाएगा, अगर अपील आपके फेवर में नहीं आता है तो जो बैलेंस अमाउंट है वो आप पे करोगे। ये प्री डिपॉजिट है, ये फीस नहीं है, ठीक है। नो अपील शैल बी फाइल्ड अनलेस अपेलेंट हैज पेड इन फुल टैक्स इंटरेस्ट फाइन फी पेनल्टी अराइजिंग फ्रॉम द इम्पंज्ड ऑर्डर जिसके अगेंस्ट वो अपील कर रहा है, सम ऑफ इक्वल टू 10% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स इन डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम दिस सेड ऑर्डर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25 करोड़ इन रिलेशन टू विच अपील हैज बीन फाइल्ड। जो भी ऑर्डर के खिलाफ आप अप्रोच कर रहे हो अपील अथॉरिटी को, उसमें आपका जो भी टैक्स इंटरेस्ट फी फाइन पेनल्टी जो भी आ गया है, जो अनडिस्प्यूटेड अमाउंट है वो तो 100% जमा होना चाहिए, नहीं तो मतलब ही नहीं है, और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका कम से कम 10% मैक्सिमम 25 करोड़ तक डिपॉजिट होना चाहिए, इसके बाद ही आपका अपील सुना जाएगा। एंड देन जैसे मैंने आपको कहा आपके फेवर में है तो अकॉर्डिंगली, आपके फेवर में नहीं है तो अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलिए उसके बाद 20% 50 करोड़ देख क्या है अपन, अगर आप आगे अपील करना चाहते हो तो अपेलेट ट्रिब्यूनल को अपील करना चाहते हो तो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ अमाउंट पेड फॉर द पर्पस ऑफ अपील, ठीक है। अगर प्री डिपॉजिट को रिफंड करना पड़ा तो 6% पर एनम के हिसाब से आपको रिफंड अमाउंट मिल जाएगा। सर 6% पर एनम क्यों ज्यादा मिलना चाहिए ना, फिर तो आप बार बार अपील करते बैठोगे यार, नॉर्मल बैंक हमको 8% दे रही है, सॉरी एफडी में 8% दे रही है और अपेलेट अथॉरिटी तो हमको 12% दे रही है, चलो अपील करो चलो अपील करो, ये नहीं होना चाहिए, राइट। सो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, इसके लिए उसको अकॉर्डिंगली रखा गया है। आइए उसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप एक बार चाहो तो उसको आप देख सकते हो, मैं फिलहाल बढ़ता हूं आगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं है पार्ट में से, तो टेंशन मत लो। हाँ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। अपील्स टू अपेलेट अथॉरिटी ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स या कमिश्नर अपील्स, इस केस में स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दिया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या होगा, राइट। पहला स्टेप देखिएगा ध्यान से, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिसीजन में अपील, कोई भी एग्रीव्ड पर्सन अपील कर सकता है, किसको अपील कर सकता है, जेसी अपील्स या कमिश्नर अपील्स, दोनों को, दोनों के बारे में हमने देखा था, अथॉरिटी कहां से आती है वो भी हमने देखा था। टाइम लिमिट इज 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टेस्टेड, कब तक अपील कर सकते हो, 3 months तक आप अपील कर सकते हो। हाउएवर अपेलेट अथॉरिटी के पास पावर है डिले कंडोन करने का ऑफ अनदर 30 डेज इफ सफिशिएंट कॉजेस शोन, तो आप बोलते हो यार 3 महीने में कर नहीं पाया, ऐसा ऐसा कुछ मेरा मजबूरी था और जेन्युइन केस है, तो आपके एविडेंस के बाद और वो सेटिस्फाई अगर होते हैं तो उस केस में वो क्या करेंगे, 30 डेज का डिले कंडोन कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ये मोटा मोटी 4 महीने हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, अपील कैन बी फॉर्म फिल्ड इन फॉर्म जीएसटी एपीएल 01, जस्ट अ मैटर ऑफ यू कैन से नेम ऑफ फॉर्म्स एक्सेट्रा, और कुछ भी नहीं है, उसका एक्नॉलेजमेंट भी आता है जो आपको मिल जाता है। हार्ड कॉपी ऑफ अपील शैल देन बी सबमिटेड इन ट्रिप्लीकेट एंड शैल बी अकंपनीड बाय सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन ऑफ द ऑर्डर अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 डेज ऑफ फाइलिंग द इलेक्ट्रॉनिक अपील। एक्नॉलेजमेंट शैल बी इशूड बाय द डिपार्टमेंट इन फॉर्म नंबर एपीएल 02। द डेट ऑफ फाइलिंग विल बी द इश्यूएंस ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इफ द हार्ड कॉपी सबमिटेड आफ्टर 7 डेज, रिलेवेंट डेट वुड बी द डेट ऑफ सबमिशन। क्या बोलते हैं ये, बहुत मतलब मुझे ना बहुत बुरी चीज लगती है, ये क्यों बुरी चीज लगती है बताता हूँ। ऑनलाइन अपील का फॉर्म फाइल किया मैंने जीएसटी एपीएल 01 में, ऑनलाइन फॉर्म जब फाइल करवा रहे हो उसमें सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले रहे हो, उसमें ऑर्डर भी लगवा रहे हो, और ऑर्डर जो मैं अटैच कर रहा हूँ तो वैसे भी ऑनलाइन ऑफिसर ने दिया हुआ है, तो फिर मैं वापस फिजिकल कॉपी आके क्यों सबमिट करूँ। बट ये बोलते नहीं, फिजिकल कॉपी ट्रिप्लीकेट में 3 कॉपीज में सबमिट करना पड़ेगा, और जो भी फिजिकल कॉपी सबमिट करोगे उसमें सर्टिफाइड स्टैम्प के साथ होना चाहिए कॉपी वो ऑर्डर का जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो, और ये सब आपने ऑनलाइन जब फाइल किया उसके 7 डेज में आपने जा करके यू कैन से अपेलेट अथॉरिटी को देना है हार्ड कॉपी फिजिकल कॉपी, और ये 7 डेज में आपने देना है। अगर नहीं देते हो, अगर देते हो तो जिस दिन आपने अपील फाइल किया है वहां से आपका काउंट किया जाएगा टाइम जो भी है, और अगर नहीं किया है तो जब भी एक्चुअल में किया हुआ है तब काउंट किया जाएगा, और एक्नॉलेजमेंट आपको दिया जाएगा एपीएल 02 में ओनली व्हेन यू गो एंड गिव दी फिजिकल कॉपी, तब तक नहीं दिया जाएगा। डेट ऑफ फाइलिंग विल बी इश्यूएंस ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आफ्टर 7 डेज एक्सेट्रा, राइट। तो ये एक पार्ट है। उसके बाद आइए आगे, एक्नॉलेजमेंट जो आएगा एपीएल 02 में यहां लिखा हुआ है कि उस एक्नॉलेजमेंट में अपील नंबर होगा, ये होगा वो होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां आइए।
ये वाला पार्ट। एज पर सेक्शन सो एंड सो कमिश्नर ऑफ सी जीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी मे कॉल फॉर एन एग्जामिन रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन विच द अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू हिम हैज पास्ड एनी डिसीजन इन सच केस इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द लीगैलिटी और प्रोप्राइटरी ऑफ द सेट डिसीजन देन ही शैल डायरेक्ट द जीएसटी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू अप्लाई द अपेलेट अथॉरिटी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट्स अराइजिंग आउट ऑफ। तो मतलब आपको अलग से रिकॉर्ड्स एग्जामाइन आपको अलग से रिकॉर्ड्स देने के लिए या मांगने के लिए यू कैन से नोटिस भेजा जा सकता है। आप जब दोगे तो उसके बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिला तो ठीक है, ना तो वो ऑफिसर से बात कर सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू इस पॉइंट को जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हो पॉज करके मैं चाहता हूँ ये वाला पॉइंट आप पहले रीड करें यहाँ तक। सब्स्टिट्यूशन ऑफ रूल 109 से यहाँ तक आप एक बार रीड करें, बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है। एक मिनट में इसको डिस्कस करते हैं, जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हो एक मिनट में डिस्कस करते हैं, जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हो पॉज करके देखिए। ये रहा, चलिए आई होप आपने इसको रीड कर लिया होगा। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है एपीएल 03 के अंदर में। क्या बोलते हैं ये कि यार एपीएल 01 में आप अपील फाइल कर रहे थे, आप एपीएल 01 को साइड रखिए, आप एपीएल 03 को फाइल करिए जहां पर डिपार्टमेंटल अपील बोला जाता है। ठीक है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली, लेट अस अंडरस्टैंड। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने इसको फाइल करना है। आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो या अथॉरिटी के पास जाकर के फिजिकल हार्ड कॉपी में भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसका सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो भी डिसीजन या ऑर्डर जिसको आप अपील कर रहे हो इज अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल, फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा आपको एपीएल 02 में। तो आप एपीएल 01 में फाइल करिए या एपीएल 03 में फाइल करिए, आपको एक्नॉलेजमेंट एपीएल 02 में ही मिलना है ऑनलाइन। ठीक है, वेयर डिसीजन ऑर्डर अपील इज नॉट अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल, अपेलेंट शैल सबमिट अ सर्टिफाइड कॉपी एंड दैट इज टू बी सबमिटेड विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग राइट ऑफ एपीएल 03, उसका भी एक्नॉलेजमेंट एपीएल 02 में ही मिलेगा। ठीक है, वेयर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपीज जो है ये 7 डेज में सबमिट नहीं किया तो जब भी सबमिट करोगे वहां से माना जाएगा इसको। बात पूरी सेम है? जी हाँ, बिल्कुल सेम है। एपीएल 01 में कंपलसरी ऑनलाइन करना है पहले, फिर जाकर के फिजिकल करना है। एपीएल 03 में आप ऑनलाइन या फिर फिजिकली कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास सर्टिफाइड कॉपी एक्नॉलेजमेंट वगैरह सब ऑनलाइन होना चाहिए, बस इतना ही था। ठीक है, चलिए आइए उसके आगे। इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अपील हैज टू बी फाइल विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द सेड ऑर्डर, द ऑथराइज्ड ऑफिसर कैन फाइल एन अपील इन फॉर्म जीएसटी एपीएल 03 इलेक्ट्रॉनिकली एंड ऑल्सो सबमिट हार्ड कॉपी विद इन 7 डेज राइट। तो मतलब देखिएगा, आपको डिपार्टमेंट ने ऑर्डर इशू किया, आप इसको लेकर के गए अपील्स में, चलेगा? बिल्कुल, आपको डिपार्टमेंट ने ऑर्डर इशू किया और आपको लगता है कि यार अपील करना चाहिए, आपने अपील किया, फिर आपको अपील करने पे आपको सही माना गया, डिपार्टमेंट को गलत माना गया, डिपार्टमेंट को फर्दर अपील करना है, कर सकता है क्या वो? बिल्कुल कर सकता है, 6 मंथ्स के अंदर कर सकता है। कौन से फॉर्म में? एपीएल 03 के अंदर में। आप किसमें करोगे? एपीएल 01 में करोगे। डिपार्टमेंट किसमें करेगा? एपीएल 03 में करेगा। अपेलेट अथॉरिटी विल ग्रांट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, भले वो डिपार्टमेंट हो उसको भी देगा, एसएससी हो उसको भी देगा, बट मैक्सिमम एडजमेंट्स कितने? 3 हो सकते हैं, वो भी राइटिंग में रीजन देने के क्यों एडजम किया गया है। ठीक है, अपेलेंट अथॉरिटी विल ऑल्सो अलाउ टू एड ग्राउंड्स ऑफ अपील इफ सेटिस्फाइड दैट द ओमिशन वाज नॉट विलफुल। कई बार आपने मूवीज में या वेब सीरीज वगैरह में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि एक बार आप हायर कोर्ट के पास जाते हो तो कोर्ट बोलता है यार ये एविडेंस तो आपने पहले दिया नहीं था, अब अचानक से नया एविडेंस हम एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो अगर उनको हक दिया गया है नया एविडेंस एंटरटेन करने का तो वो नया एविडेंस एंटरटेन कर सकते हैं, बट यहां पे जीएसटी अपील्स के अंदर वो नया एविडेंस एंटरटेन कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो सेटिस्फाइड है कि यार इसको अगर निकाल दिया जाएगा तो ये इनजस्टिस होगा, अनरीजनेबल होगा तो ही। ठीक है, अपेलेट अथॉरिटी एज फार एज पॉसिबल विद इन 1 ईयर ऑफ द अपील शैल गिव द ऑर्डर, अपेलेट अथॉरिटी शैल नॉट रिमांड द मैटर बैक टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो वापस से नहीं दे सकता है, बट वो समरी देगा हर चीज का कि यार ये फाइनल डिमांड है ऐसा है एपीएल 04 के अंदर। तो एपीएल 01 आप अप्लाई करिए, एपीएल 03 डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकता है, एपीएल 02 एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, एपीएल 04 ऑर्डर मिलेगा। डन है, जेपा है, यहां तक क्लियर है तो फटाफट से सी टाइप करिए, उसके बाद जाएंगे विड्रॉवल ऑफ अपील पे, फिर जाएंगे रिविजन पे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है बट एमसीक्यू में जरूर टेस्ट किया जा सकता है, और एमसीक्यू में मैं बता दूं आपको, आप क्या, मैं इतने बार पढ़ा चुका हूं ये चीज फिर भी मैं कंफ्यूज हो सकता हूं। ठीक है ना, बिकॉज क्या है, आप अगर देखोगे ना इन चीजों को तो ये कॉन्सेप्ट तो मतलब ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज इट इज फाइन, बट इसमें मोर ऑफ कंटेंट है, यानी कि मोर ऑफ रिमेंबरिंग वाले पॉइंट्स इसमें। ठीक है, तो इसको जितना एग्जाम के एक दिन पहले कम देखोगे उतना अच्छा है, बिकॉज हो सकता है इसके कारण डिमोटिवेशन हो और जो टॉपिक्स आपको आते हैं जो 90% आपका सिलेबस है वहां दिक्कत ना हो जाए, मुझे बस उतना ही कंसर्न है। ठीक है, आइए, क्या आप अपील फाइल करने बाद आपके अपील को विड्रॉ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, ऐसी कोई चीज हुई नहीं आज तक जिसको फाइल के विड्रॉ नहीं कर सके। ठीक है ना,
अर्लियर देर वॉज नो प्रोविजन सर इन जीएसटी फॉर विड्रॉवल ऑफ अपील. हाउएवर 2022 में इफ अपील इज फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर और बाय द डिपार्टमेंट, भले डिपार्टमेंट फाइल करे एपीएल 3 में या टैक्स पेयर फाइल करे एपीएल 1 में, हम दोनों केसेस में क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं. बिफोर द फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी अगेंस्ट अ डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय एग्रीड पर्सन और ऑफिसर, अपेलेंट में, मेरे ख्याल से मैं कर्सर नहीं दिखाता हूं, पढ़िए ध्यान से, अपेलेंट में एट एनी टाइम बिफोर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, क्या बोलते हैं, एनी टाइम बिफोर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस और बिफोर इश्यूएंस ऑफ द ऑर्डर व्हिचएवर इज अर्लियर, फाइल एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉवल. और फाइल कैसे करोगे सर, जो भी आपने फॉर्म किया था उसी में डब्ल्यू आ जाएगा एंड में, ठीक है ना. सो जीएसटी एपीएल 01 डब्ल्यू या जीएसटी एपीएल 03 डब्ल्यू, इसमें आप अपील को विड्रॉ करने का फॉर्म कर सकते हो. कब तक कर सकते हो, एट एनी टाइम बिफोर इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस और बिफोर इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर व्हिचएवर इज अर्लियर. आपने अपील किया, अपेलेट अथॉरिटी ने शो कॉज नोटिस इशू किया कि भाई मेरे पास आप आए, बताइए मुझे कि यार आपके ऊपर क्यों ये किया गया था और आपको क्यों लगता है ये गलत किया गया था, उन्होंने ये भेजा, उससे पहले आप अपील विड्रॉ कर सकते हो. मतलब आपका एक बार अपील चालू हो गया आप अपील विड्रॉ कर सकते हो क्या सर, नहीं कर सकते. विड्रॉवल का भी जो एक्नॉलेजमेंट आएगा एपीएल 02 में ही आएगा और विड्रॉवल आपको करने देना चाहिए या नहीं करने देना चाहिए एक्सेट्रा ये भी है 7 days ऑफ सच एप्लीकेशन में आपके आपके पास पहुंचाया जाएगा. एनी फ्रेश अपील फाइल्ड बाय द अपेलेंट परसुएंट टू सच विड्रॉवल शैल बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड. नोट सेक्शन नंबर सो एंड सो, अपेलेट अथॉरिटी शैल आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी पास एन ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट और ऑर्डर appealed against but should not refer the case back to the adjudicating authority. आप कुछ भी करिए बट आप वापस आपके adjudicating authority के पास decision के लिए नहीं जा सकते. That's it. ये पूरा gist है withdrawal का, एक बार check कर लीजिए यहाँ तक clear है. Online live में जो लोग देख रहे हो फटाफट से D type करिएगा. आइए बढ़ते हैं revisionary proceedings के ऊपर. Revisionary proceedings by commissioner against adjudication orders. सेक्शन 108 इसके बारे में बात करता है. सेक्शन 108 क्या बोलता है कि उन्होंने कमिश्नर को पावर दिया हुआ है क्या करने का, रिवाइज करने का ऑर्डर. इट प्रोवाइड्स दैट कमिश्नर बिफोर रिवाइजिंग शैल एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग. आपने ऑर्डर पास करके दिया हुआ है एज एन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आपके ऑर्डर को रिवीजन के लिए कमिश्नर के पास लेके जाया जा सकता है अगर कोई एरर अपेरेंट हो रिकॉर्ड के ऊपर तो, या अगर कमिश्नर को लगता है कि इससे तो गवर्नमेंट को ही नुकसान होगा, डिपार्टमेंट को ही नुकसान होगा, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को ही नुकसान होगा, तो उस केस में क्या कर सकता है, उस केस में ये रिविजनरी ऑर्डर पास कर सकते हैं. ठीक है. सो एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स इफ ही कंसीडर्स दैट कोई भी डिसीजन जो पास किया गया है ये प्रॉपर नहीं है, ये लीगल नहीं है या ये प्री जुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर क्या कर सकता है, स्टे डाल सकता है इस ऑपरेशन को, डिसीजन को, जब तक उसको लगता है ठीक है. इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर कैन आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड एंड आफ्टर मेकिंग सच फर्दर इंक्वायरी पास अ पर्टिकुलर ऑर्डर. तो इसका मतलब अगर मैं एक टैक्सपेयर हूं, मुझे ऑफिसर ने कहा कि आपके ऊपर ये हम ऐसा सा काम कर रहे हैं, आपने ये गलत किया हुआ है, आपको नोटिस भेज दिया, आपको लगता है यार ऑफिसर ने गलत किया हुआ है, आप कमिश्नर के पास जा सकते हो. कमिश्नर को लगता है कि यार सू मोटो कि यार मेरे ऑफिसर ने गलत किया हुआ है, कमिश्नर क्या करेगा, कमिश्नर खुद भी इसको रिवाइज कर सकता है. रिवाइज करने के लिए दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है. पहले रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करिएगा जो भी ऑर्डर पास किया गया है उसके रिकॉर्ड्स को. दूसरा उसमें चेक करिए कि कुछ प्रॉपर नहीं है, कुछ लीगल नहीं है और कुछ गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, फिर उसको स्टे लगाइएगा. इन द मीन टाइम आप नोटिस भेज सकते हो उस टैक्सपेयर को, उसको बुला सकते हो, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दीजिए, उसको बोलिए यार देख हमारे ऑफिसर के पास से गलती हुई जिसके कारण से तेरा पेनल्टी कम आया है, बट एक्चुअल में तेरा पेनल्टी ज्यादा आ रहा था, बट हमारे ऑफिसर से गलती हुई है तो मैं फर्दर इंक्वायरी करूंगा. वो ना बोलेगा हाँ बोलेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा एक बार बात करने के लिए सिर्फ. ठीक है. उसके बाद रिविजनरी अथॉरिटी दैट इज द कमिश्नर कैन पास द अथॉरिटी. ठीक है. रिविजनल अथॉरिटी अंडर सेक्शन 108 कौन हो सकता है रिविजनल अथॉरिटी, देखिएगा. सबसे पहले प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर. ठीक है. तो प्रिंसिपल कमिश्नर क्या करेगा या कमिश्नर क्या करेगा, कौन से ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है जो ऑर्डर उनके अंडर एसीजीसी ने किया हुआ है. एसीजीसी क्या करेगा, जो ऑर्डर उनके अंदर डिप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर ने किया हुआ है, मतलब जो ऊपर बैठा हुआ है वो अपने नीचे बैठे हुए ऑफिसर का यू कैन से ऑर्डर को स्कैन करके उसका क्या कर सकता है, रिवीजन कर सकता है. ठीक है. सो अगर प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर है
ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, रिवाइज कौन कर सकता है, ये कर सकता है। अगर ऑर्डर डेप्यूटी असिस्टेंट या सुपरिंटेंडेंट है तो कौन यू कैन से रिवाइज कर सकता है, एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर रिवाइज कर सकता है। ठीक है, क्लियर है ये पार्ट, ये पार्ट क्लियर है तो ई टाइप करिए फटाफट से, ई टाइप करिए फटाफट से। अब कुछ प्रोसीजरल पार्ट थोड़ा सा यहां पे दिया गया है, आइए समझते हैं। वर्चुअल मोड में हियरिंग हो सकती है क्या, वर्चुअल मोड में सर हियरिंग हो सकती है क्या, इसके बारे में सीबीआईसी ने नोटिफिकेशन तो दिया था कब, कोविड के आसपास में, मतलब पहले भी गाइडलाइंस थे इसके बारे में, नहीं था ऐसा नहीं था, बट कोविड में ज्यादा हियरिंग्स ऑनलाइन हुई थी, तो हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए ईमेल एड्रेस लगेगा, ईमेल एड्रेस करना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। आए दिन आप इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे आजकल वीडियोस देखते हो, स्नैपचैट पे भी, जहां पे कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को मजाक बना रखा है शेयर कर देते हैं, उसमें से क्लिप निकाल करके ऑनलाइन की, देखो यार जज ने ऐसा कहा, जज ने वैसा कहा, अरे भाई इतना ही गड़बड़ है तो पूरा का पूरा स्ट्रीम जो हो रहा है उसको शेयर करिए ना, समझ रहे हो, आपने देखा होगा ना ये, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो डेट एंड टाइम ऑफ हियरिंग अलॉन्ग विद लिंक फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज कर रहे हो इनक्रिप्टेड होना चाहिए, उसको आप प्रॉपरली यू कैन से लिंक वगैरह भेज सकते हो। अपेलेंट और रिस्पॉन्डेंट और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपियरिंग इन वर्चुअल शुड फाइल वकालतनामा और ऑथराइजेशन लेटर एंड गिव द कॉपी ऑफ फोटो आईडी। अब देखिए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट, जहां पे अलाउड कंपनी सेक्रेटरी, जहां पे अलाउड एडवोकेट्स, जो भी जब पे जहां पे अलाउड है, जहां पे ऑनलाइन माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपना केस लड़ सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इनका वकालतनामा लॉयर्स के केस में होता है यूजुअली, या ऑथराइजेशन लेटर जो सीएसीएस सीएमए के केस में यूजुअली होता है, अपना ऑथराइजेशन लेटर अपने फोटो आईडी के साथ। तो जैसे कि सपोज मैं अगर आपको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं कोर्ट में या रिविजनल अथॉरिटी के पास, तो मेरे पास आपके पास से पावर ऑफ अटॉर्नी सॉर्ट ऑफ या एक अथॉरिटी लेटर होना चाहिए कि भाई ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरा आधार कार्ड वगैरह, पासपोर्ट वगैरह जो भी है उसका कॉपी वहां पे होना चाहिए, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस के साथ, सब कुछ, सब डिटेल्स के साथ। ठीक है, ऑब्वियसली ऑनलाइन के केस में ये सब चीजें जरूरी है। ऑल पर्सन, अच्छा वैसे ऑफलाइन में भी जरूरी है, ऑल पर्सन पार्टिसिपेटिंग शुड बी अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड। ऐसा अब जैसे मैं यहाँ पे समझो हूं, तो मेरा इतना ही पोर्शन सिर्फ दिख रहा है ना, राइट, तो ये जो मैं दिख रहा हूं यहाँ पे, ये कोर्ट के हिसाब से होना चाहिए। मैं घर बैठा हूं तो मैं टी शर्ट में केस नहीं लड़ सकता, मैं अगर घर बैठा हुआ हूं तो मुझे क्या करना है, फिर भी मुझे प्रॉपर जैसे मेरा ड्रेस होता है कोर्ट में जाने का, उसके हिसाब से जाना है। ठीक है, वर्चुअल हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शैल बी हेड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द अपेलेट अथॉरिटी। तो जज तो या ये कौन अपने कमिश्नर्स वगैरह तो वहीं बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्चुअल हियरिंग विल बी कंडक्टेड थ्रू अवेलेबल एप्लीकेशंस लाइक VDI, YO और अदर सिक्योर कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि दे शुड पार्टिसिपेट इन वर्चुअल हियरिंग विद देयर एडवोकेट और ज्वाइन द प्रोसीडिंग्स फ्रॉम देयर ओन ऑफिस। एडवोकेट के ऑफिस से ज्वाइन करिए या अपने ऑफिस से ज्वाइन कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। सबमिशंस मेड बाय द अपेलेंट और द रिप्रेजेंटेटिव विल बी reduced in writing and a statement of the same will be prepared and submitted in the PDF format. और उसका PDF का version हमको भी दे दिया जाएगा। If the appellant, the representative wants to modify the contents of the emailed record of personal hearing, they can do so and sign. मतलब जहाँ पे मैं modify कर रहा हूँ, मुझे sign करना है, ठीक है? और उसके बाद 3 days of receipt of such email के अंदर मुझे उनको वापस दे देना है। No modification in email can be done after a period of 3 days. The record of personal hearing submitted in this manner shall be deemed to be a document for the purpose of relevant statute, right? तो ऐसा नहीं है कि यार फिजिकल डॉक्यूमेंट होगा तो उसी को डॉक्यूमेंट माना जाएगा रिवीजन के लिए या रिकॉर्ड्स के पर्पस के लिए, ये जो पीडीएफ होगा उसको भी माना जाएगा। इफ द अपेलेंट देयर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव प्रेफर्स टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एडिशनल सबमिशंस वाया वर्चुअल हियरिंग, ही मे बी डूइंग सो वाय सेल्फ अटेस्टिंग इट, राइट। बट जो भी करना है ये 3 दिन के बाद नहीं, ये हियरिंग के 3 दिन के अंदर ही करना है, ठीक है। एनी ऑफिशियल रिप्रेजेंटिंग द डिपार्टमेंट साइड शैल ऑल्सो पार्टिसिपेट। तो मेरा एडवोकेट गया तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो भी आ सकता है। व्हाइल द कंडक्ट ऑफ पर्सनल हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज बीइंग मेड मैंडेटरी, देयर इज येट अ रेयर चांस कि आपको ये अलाउ नहीं किया जा सकता है। ईच सच रिक्वेस्ट शैल बी अप्रूव्ड बाय द अपेलेट अथॉरिटी एंड रीजंस गिवन इन द राइटिंग, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऑनलाइन नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इज बीइंग मेड, ये तो ऑनलाइन मैंडेटरी है, बट नहीं भी तो आप फिजिकली जा सकते हो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप अकॉर्डिंगली रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक और पार्ट इंपॉर्टेंट यहां पे आता है। रिविजनल अथॉरिटी शैल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर फॉर ऑर्डर विच इज सब्जेक्ट टू अपील, पीरियड स्पेसिफाइड इज एक्सपायर्ड और मोर देन 3 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम पासिंग द ऑर्डर, ऑर्डर हैज बीन ऑलरेडी टेकन फॉर रिविजन एट द अर्लियर स्टेज, ऑर्डर हैज बीन पास्ड टू एक्सरसाइज द पावर्स अंडर सबसेक्शन 1। मतलब
अगर मैं किसी चीज के लिए अपील कर रहा हूं तो मैं उसे सेम चीज के लिए रिवीजन नहीं जा सकता। मैं अपील के लिए गया तो रिवीजन का दरवाजा बंद, मैं रिवीजन के लिए गया तो अपील का दरवाजा बंद। ठीक है, अपील जैसे आपने देखा था कि कुछ ड्यूरेशन तक ही हम कर सकते हैं, 6 मंथ एक्सेट्रा, यहां पे आप 3 साल अगर हो जाते हैं ऑर्डर के बाद, 3 साल के बाद आप नहीं जा सकते हो, या जो भी पीरियड स्पेसिफाइड है 6 मंथ 3 मंथ एक्सेट्रा, जो विच एवर इज अर्लियर होगा। ठीक है, आपने कोई भी चीज का उसी चीज का रिविजन एक पहले के स्टेज पे किया था तो आप फिर से उसके लिए रिविजन पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है तो एफ टाइप करिए, गो फॉर इट फास्ट। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सा प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट रिविजनल अथॉरिटी में पास एन ऑर्डर ऑन एनी पॉइंट विच हैज नॉट बीन रेज्ड एंड डिसाइडेड इन द अपील। अपील में डिसाइड हो गया, देखो ऐसा भी होता है कई बार कि ऑर्डर आया, ऑर्डर में 2-3 अलग अलग चीजें थी, एक के बारे में हमने अपील कर दिया, दूसरे के बारे में लगता है अपील नहीं है तो बेसिक सा एरर है, इसके बारे में रिविजन करते हैं। ठीक है, तो रिविजन वाला अपील के बारे में बात नहीं करेगा, अपील वाला रिविजन के बारे में बात नहीं करेगा, बट जो भी है 3 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेट ऑफ ऑर्डर से लेकर के एक्सपायरी का पीरियड जो भी है, या 3 ईयर्स, 1 ईयर या 3 ईयर्स, विच एवर इज एप्लीकेबल इन दैट केस, जो भी लेटर है। इट मीन्स इन द फॉलोइंग केसेस रिविजनल अथॉरिटी हैज नो पावर टू एनहांस, मॉडिफायर और एनल द डिसीजन। एनुअल नहीं है वो, एनल, ENNUL, मतलब निकाल देना उस चीज को। ठीक है, इफ द एसएससी हैज फाइल्ड एन अपील टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपेलेट अथॉरिटी, सॉरी, द कमिश्नर ऑफ जीएसटी कैन नॉट मेक द रिव्यू इफ द अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर इज पेंडिंग बिफोर द अपेलेट ट्रिब्यूनल और द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, आई कैन नॉट, मतलब बेसिकली कोई भी केस में अगर अपील किया हुआ है तो हमें कुछ नहीं कर सकते एज अ कमिश्नर। कमिश्नर कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर्स इफ द अपील पीरियड ऑफ 3 मंथ्स या 3 ईयर्स जो भी है पास हो चुका है, इफ द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन अप फॉर रिविजन एट द अर्लियर स्टेज, सेम समरी है उसी पॉइंट का, ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन पास्ड, देन भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा एक्सेप्शंस को। रिविजनरी पावर्स टू द कमिश्नर टू पास एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विच हैज नॉट बीन रेज्ड इन एनी अपील। तो आप बोलोगे यार ऑर्डर तो अपील हो के आया है, अब रिविजन नहीं कर सकते, अरे बट अपील में जो चीज गई थी ना वो चीज यहां नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, अपील में जिसके बारे में बात हुई थी, जिसके बारे में अपील हुआ था, वो चीज के बारे में हम रिविजन नहीं कर रहे, रिविजन दूसरी चीज के बारे में कर रहे हैं। और प्रोवाइडेड 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर, वो भी फुलफिल कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये चल सकता है। तो अलग पॉइंट पे रहा चलेगा, सेम पॉइंट पे रहा नहीं चलेगा। प्रायर पर्सन, प्रायर नोटिस टू पर्सन इन केस ऑफ एडवर्स ऑर्डर बाय रिविजनल अथॉरिटी। देखो ऑर्डर आया आपको कि आपको 10 रुपीज ऑफ जीएसटी पे करना है, आप बोलते हैं मुझे लगता है 10 रुपीज नहीं पे करना चाहिए, आप चाहते हो रिविजन के लिए, रिविजन का ऑर्डर आता है, नहीं 10 तो उसने गलती से बता दिया, 12 रुपीज पे करना है आपको, तो आपका नुकसान भर गया ना, आपके लिए एडवर्स हो गया ना, ये गलत हो गया ना आपके लिए, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दिया जाता है, आपको प्रायर इंटीमेशन दिया जाता है कि हम हमारे तरफ से आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे ऑफिसर से गलती हुई तो उसने 6 रुपीज बताया था, 10 रुपीज बताया था, एक्चुअल में ये 12 रुपए है, आप इसके लिए तैयार हो जाइए, आपको ऑर्डर किसी भी वक्त आ जाएगा। राइट, ये देखिए यहां पे पूरी चीज का समराइजेशन है, आइए समझते हैं, बढ़िया से समरी दी हुई है यहां पे आपको आपके बुक के अंदर में ही बेसिकली। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेक्शन 107 क्या बोलता है, सेक्शन 107, सेक्शन 107 बोलता है दैट अपील्स टू अपेलेट अथॉरिटी, दैट इज ज्वाइंट कमिश्नर भी हो सकता है ये, या कमिश्नर अपील्स भी हो सकता है, उसमें एपीएल 01 पे आप अपील कर सकते हो, 3 मंथ्स के अंदर में कर सकते हो, 30 डेज का डिले कंडोन किया जा सकता है, डिपार्टमेंट अपील कर सकता है एपीएल 03 में, 6 मंथ्स के अंदर में, आपको 3 महीने, उनको 6 महीने हैं। ठीक है, हाउएवर कंडोनेशन यहां पे भी 30 डेज का जा सकता है, एक्नॉलेजमेंट इसका जो आएगा एपीएल 02 के अंदर में आएगा, हार्ड कॉपी अपील के 7 डेज में सबमिट करनी है तब जाकर के एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा आपका। हियरिंग जो है मैक्सिमम कितने के लिए एडजर्न हो सकता है, 3 ओकेजन के लिए एडजर्न हो सकता है, रीजन राइटिंग में होनी चाहिए। अपेलेट अथॉरिटी कैन ऑल्सो अलाउ टू एड और इंक्लूड द ग्राउंड्स ऑफ अपील्स, वो भी चलेगा, विद इन 1 ईयर ऑफ अपील ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। अपेलेट अथॉरिटी शैल नॉट रिमांड द मैटर बैक, वो नहीं हो सकता, उसके अलावा जो भी चाहिए हो सकता है। ठीक है, यहां तक अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो एक बार जी टाइप करिए चैट बॉक्स में। तो ये रहा मेनली अपील के बारे में, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझने आ गया होगा। अब ये तो अपील्स हो गए कमिश्नर अपील्स के लिए या ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स के लिए एक्सेट्रा, अब बात करते हैं अपील्स टू अपेलेट अथॉरिटी के, अपील्स टू अपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। ठीक है, ये सेकेंड लेवल ऑफ अपील है,
पहला लेवल तो आप कमिश्नर अपील्स के पास जा सकते हो या ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स वगैरह जो हमने देखा था उसके पास। सिमिलर तरीके से आप अगर बात करते हो इनकम टैक्स में तो आप सीआईटी अपील्स के पास जा सकते हो पहले, अगेन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास फर्स्ट लेवल है। सेकंड लेवल आईटीईटी है, इनकम टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे सेकंड लेवल जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है। थर्ड लेवल दोनों केसेस में हाई कोर्ट, फोर्थ लेवल दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट, प्रोवाइडेड वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। सेक्शन 9 इसके बारे में बात करता है। सेक्शन 9 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट शैल ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश with effect from such date as may be specified an appellate tribunal known as GST appellate tribunal for hearing the appeals under as per the orders of appellate authority or revisional authority, ठीक है। तो जो भी revisional हो रहा है या appellate हो रहा है उसके हिसाब से जो भी appeal होगा, आप अगर उनसे खुश नहीं हो पहले आप कहां जाओगे, revision के पास या appeal के पास, AA के पास। अगर वहां पर नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो GST appellate tribunal के पास। The jurisdiction, powers and authority conferred on the appellate tribunal shall be exercised by the principal bench and the state bench. पढ़ क्या है ना अपन इसके बाद, principal of principal bench, state bench, principal bench में अगर place of supply होगा तो ही वहाँ जाएगा, वही चीज़ें यहाँ है, हम बस उसी को read कर रहे हैं, ठीक है। Government shall by notification constitute a principal bench at a New Delhi and which shall have precedent, judicial member, technical member and technical member, state वाला भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। सर judicial member, technical member क्या होता है? Technical member जिसको उस field के बारे में पता है और जुडिशियल मेंबर जिसको लॉ के बारे में मेनली पता है, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन लगता है बिकॉज बिजनेस सिचुएशन को समझना, अकॉर्डिंगली एनालिसिस करना और आगे बढ़ना, ठीक है। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट, स्टेट ने बोलना चाहिए कि मुझे मेरे पास स्टेट का बेंच चाहिए, स्टेट बेंच भी जितने भी नंबर के हैं उतने नंबर के स्टेट बेंच बनाया जा सकते हैं। वहां पे दो जुडिशियल मेंबर्स होंगे और टेक्निकल मेंबर एक सेंटर से होगा, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट से होगा। प्रिंसिपल एंड स्टेट बेंच शैल हियर द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स provided that in cases in which any one of the issues involve the place of supply, ये सिर्फ और सिर्फ principal bench के पास जाएगा। अगर place of supply नहीं है तो ये कहाँ जाएगा सर, state bench के पास जाएगा। अगर place of supply का issue नहीं है फिर भी central के पास जा सकता है, यानी कि principal bench के पास जा सकता है, ठीक है। President shall, president of whom? GST AT, ठीक है। So president shall from time to time by general or special order distribute the business of the appellate tribunal among the benches. President के ऊपर है कि वो बोल सकता है यार इस bench से shift करो यहाँ करो, महाराष्ट्र में bench महाराष्ट्र से निकालो, हरियाणा में लेके जाओ अगर वहां का कुछ party होगा, etc. Senior most judicial member within the state bench shall act as the vice president. Compulsory senior most. Capability की बात नहीं हो रही है, senior most की बात हो रही है। Appeals where tax or input tax credit involved or the amount of fine fee penalty determined in any order does not exceed 50 lakh rupees or does not involve any question of law with the approval of the president as may be prescribed on the recommendation of the council be here by a single member. कितना लिमिट बोलते हैं, 50 लाख रुपीस, या जहां पे लॉ नहीं है वो एक सिंगल मेंबर, पूरा बेंच नहीं बैठेगा उसके लिए, एक सिंगल मेंबर उसके लिए बैठेगा और अपना काम क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। shall be here together in all other cases shall be here together by one judicial member and one technical member minimum. सिंगल मेंबर में चल जाएगा अगर आपका जो भी यू कैन से अमाउंट होगा पूरा क्यूमुलेटिव टैक्स आईटीसी फाइन पेनल्टी लेवी इंटरेस्ट फी लेट फी एक्सेट्रा सब मिला करके जो भी होगा 50 लाख के अंदर होगा तो इफ आफ्टर हियरिंग द केस मेंबर्स डिफर इन ओपिनियन तो क्या करेंगे सर मेजोरिटी पे जाएंगे क्या सच मेंबर स्टेट द पॉइंट एंड इन विच केस दे आर डिफरिंग उसके अंदर सब पॉइंट्स दिए हुए हैं क्या बोलता है सब पॉइंट्स वेयर अपील वॉज ओरिजिनली हियर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ स्टेट बेंच टू अनदर स्टेट बेंच को करिए राइट वेयर अपील वॉज ओरिजिनली हियर्ड बाय मेंबर्स ऑफ प्रिंसिपल बेंच तो अनदर मेंबर फ्रॉम द प्रिंसिपल बेंच को करिए या फिर स्टेट बेंच को भी आप कर सकते हो एंड सच पॉइंट और पॉइंट शैल बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी ओपिनियन मतलब ध्यान दो मेरे स्टेट के अंदर में पहला पॉइंट देखिए ओरिजिनल अपील मेरे स्टेट के मेंबर ने किया था तो दूसरे मेंबर को उसी स्टेट के इसमें भेज दो अवेलेबल नहीं है तो दूसरे स्टेट के दूसरे मेंबर को भेज दो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है वो अपने पॉइंट्स ऐड करेंगे उसमें राइट अगर प्रिंसिपल बेंच का मेंबर ने हियर किया है तो प्रिंसिपल बेंच के दूसरे मेंबर को भेज दो और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कोई भी स्टेट बेंच के मेंबर को भेज दो वो उसको चेक करेगा पॉइंट्स लगाएंगे और मेजॉरिटी ओपिनियन जो है इंक्लूडिंग द ओपिनियन ऑफ मेंबर्स हु हैव हियर द फर्स्ट केस मतलब पहले से लेकर के अभी तक जिसको बाद में रेफर किया गया ना सब मिला करके तो मेरे स्टेट बेंच का मेंबर था उसने रेफर किया पहले ओवरऑल देख लिया उसने रेफर किया दूसरे को दूसरा पहला दोनों मिला करके जो भी होगा उसको चेक किया जाएगा ठीक है गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ट्रांसफर मेंबर्स फ्रॉम वन बेंच टू अनदर बेंच ये तो मतलब देखिए यार ये पॉलिटिक्स भी आप बोल सकते हो क्योंकि यार एक बेंच ने किसी रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दिया ट्रांसफर हो गया ये हो गया वो हो गया अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट ही सब करेगा ठीक है चलिए
provided that technical member of a state transferred to state bench only of the same state in which originally appointed in consultation with the state government only. ठीक है, no act or proceedings of the appellate tribunal shall be questioned or shall be invalid merely on the grounds of existence of vacancy or a defect in the constitution of appellate tribunal. तो उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया कि अगर हमारे पास एक जन कम है वैकेंसी एक मेंबर की और हम फिल नहीं कर पाए और हमने ऑर्डर दे दिया, आप कल आकर के बोल नहीं सकते हो कि हमने जो ऑर्डर दिया वो इनवैलिड है. क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि यहां पे ये स्पेसिफिकली बोला गया है. ठीक है, हाउएवर ध्यान दीजिएगा, उनका क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट कंडीशंस एक्सेट्रा ये स्पेसिफाई किए गए हैं और वो प्रॉपरली सब होने चाहिए. ठीक है, अगर ये प्रिंसिपल बेंच और स्टेट बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझने आ गया होगा, एच टाइप करिए चैटबॉक्स में. यस सर, डन है यहां तक, आगे बढ़े. सिमिलर चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, गो थ्रू करता है फटाफट से. ठीक है, चलिए, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आ जाता है यहां पे तो आपको प्रिंसिपल बेंच के पास से जाना पड़ेगा, बाकी चीजें आप स्टेट बेंच के पास जा सकते हो. ठीक है, आप रिफ्यूज कर सकते हो अगर आपके अपील में जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 50,000 से कम है. टाइम लिमिट जो है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर. अपील इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है APL 05 में. APL 1, 2, 3, 4 हमने कहां तक देखा है? फर्स्ट लेवल ऑफ अपील तक. सेकंड लेवल अपील में APL 05 आ जाएगा, अलग से कुछ नहीं बनेगा, नॉर्मल वही आ जाएगा. इसका प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट भी दिया जाएगा. हाउएवर हार्ड कॉपी का प्रोसीजर सेम है, 7 days के अंदर आपने सबमिट करना है. इसका एक्नॉलेजमेंट भी कहां आएगा? APL 02 में आएगा. डेट ऑफ फाइलिंग विल बी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जब तक आप उसको सबमिट करते हो. अगर आप उसको 7 days के बाद सबमिट करते हो तो जब भी सबमिट करोगे उसको एक्नॉलेजमेंट का डेट माना जाएगा. डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो फाइल द अपील टू ट्रिब्यूनल. यस सर, डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो फाइल द अपील टू द ट्रिब्यूनल. फॉर दिस पर्पस कमिश्नर कैन कॉल फॉर एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ द पर्पस. इफ नॉट सेटिस्फाइड may pass an order directing the subordinate officer to get the details. Appeal has to be filed within 6 months from the date of the communication and condonation for another 3 months. किस केस में? जब department appeal file करेगा. Authorized officer will file appeal in form GST APL 07. 5 किसके लिए? 7 किसके लिए? ध्यान रखना है. Electronically and submit hard copies. तो same procedure यहाँ पे रहेगा 7 days के अंदर में. Cross objection can be filled in the memorandum GST APL 06 by opposite party within 45 days. ये important point है. ये point थोड़ा सा अलग भी है, ध्यान दीजिएगा. इसको एग्जाम में टेस्ट भी किया गया है कई बार. क्या बोलते हैं ये? अगर डिपार्टमेंट ने फाइल कर दिया अपील, ठीक है ना, डिपार्टमेंटल अपील फाइल हुआ है APL 07 के अंदर में, कहां पे? जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल में. तो मैं पार्टी हूं ना उसको, तो APL 06 के अंदर में मुझे क्रॉस ऑब्जेक्शन करने के लिए चांस दिया जाएगा. मैं मेरा ऑब्जेक्शन रेज कर सकता हूं 45 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द नोटिस ऑफ द अपील में. ठीक है, उसके लिए मेमोरेंडम मुझे सबमिट करना है, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है. ठीक है, अपेलेट ट्रिब्यूनल विल ग्रांट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड टू द एप्लीकेंट. Hearing can be adjourned maximum 3 occasions, वो भी writing में reasons के साथ. Appellate tribunal can include or allow new grounds, same जैसे पहले दिया हुआ है. 1 साल के अंदर हमें order देना है, right? Can also remand the case back to appellate authority. सबसे बढ़िया difference किसका? Appeals commissioner और appellate tribunal का. First level of appeal में आप वापस authority के पास नहीं ला सकते, but appellate tribunal जो है, appellate tribunal आपको वापस appellate authority के पास लेकर के आ सकता है. राइट, तो ये रिमांड बैक कर सकता है, इसके पहले रिमांड बैक नहीं हो सकता था. अपेलेट ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू रेक्टिफाई एनी एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड्स. राइट, या जो भी, मतलब मैंने अपेलेट ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दे दिया, उसको मैं रिवाइज कर सकता हूँ, रेक्टिफाई कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड वो फेस ऑफ रिकॉर्ड्स पे कुछ बेसिक सा एरर होगा तो ही कर सकते हैं, और वो भी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. रेक्टिफिकेशन विच हैज इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग द असेसमेंट, उस केस में हमने क्या करना है? हमने अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हियर्ड देना है. तो अपील मैंने ही किया था, मुझे लगता था यार जो ये कमिश्नर अपील्स में हुआ है वो मेरे अगेंस्ट हुआ है, तो मैं गया जीएसटी अपील्स के पास, ठीक है, अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास. जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल में जाने के बाद मेरे ही खिलाफ कुछ हो रहा है तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर देने वाले हैं. ठीक है, ये अपने प्रोसीजर खुद चेंज कर सकते हैं, ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, सीपीसी सीआरपीसी वगैरह में जो भी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली. राइट, ट्रिब्यूनल हैज द पावर सेम एज वेस्टेड टू सिविल कोर्ट, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सेट्रा, वैसे एडमिनिस्ट्रेटर ओथ करेगा और ये अपना काम चालू करेगा. इसका समरी भी दिया हुआ है, वो चेक करते हैं. फीस जो दिया हुआ है बोलता है 1,000 rupees फॉर एवरी 1 lakh rupees, 1 lakh के पीछे 1,000 rupees. राइट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 25,000 rupees. एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तक तो मुझे बताइएगा. इसी का समरी जो हमने पढ़ा हुआ है ये यहां पे दिया हुआ है. अपील टू जीएसटी 18, ठीक है, जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल. राइट, सेक्शन 112 उसके बारे में बात करता है. क्या बोलते हैं ये? अगर आपका लेस देन और इक्वल टू 50,000 तक का अमाउंट है तो अपील नहीं करना है.
उससे ज्यादा है तो आप अपील कर सकते हो। आपका अपील जो है एपीएल 05 में जाएगा, डिपार्टमेंट का अपील जो है एपीएल 07 में जाएगा। आपका टाइम लिमिट है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, कंडोनेशन किया जा सकता है 3 months के लिए, राइट। फीस जो है 1000 rupees एवरी 1 lakh rupees, मैक्सिमम जो है 25,000 है, ठीक है। उसके बाद यहां पर डिपार्टमेंट 6 months तक कर सकता है, कंडोनेशन किया जा सकता है 3 months का। एक्नोलेजमेंट जो भी आएगा एपीएल 02 में आएगा। हार्ड कॉपी सबमिट करना है ट्रिप्लीकेट के अंदर में, 7 days ऑफ फाइलिंग के अंदर में, राइट। इलेक्ट्रॉनिक अपील एंड An order which is appealed against is issued or uploaded by the adjudicating authority. Cross objection किया जा सकता है बिल्कुल APL 06 के अंदर में, memorandum file करके within 45 days. Hearing can be adjourned कितने times? Maximum 3 occasions पे. Appellate tribunal also can add or allow the grounds. 1 year के अंदर में आपको पास करना है ऑर्डर, और 1 year ऑफ अपील में ऑर्डर पास करेंगे तो हम रिमांड कर सकते हैं, बिल्कुल रिमांड केस कर सकते हैं। अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास पावर है टू रेक्टिफाई एनी एरर अपेंडेंट फ्रॉम दी रिकॉर्ड। एक बार मैं चाहता हूं जो लोग ऑफलाइन ऑनलाइन जहां पे भी जैसे भी हो एक बार ये देख लीजिए, होने बाद डन बताइए, आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां तक क्लियर है। जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल तो हमने कमिश्नर अपील देखा, हमने जीएसटी अपेलेट ट्रिब्यूनल देखा, ठीक है ना। अब जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये सिंपल सा पार्ट है, आइए देखते हैं, कवर करते हैं फटाफट से। हाई कोर्ट के अंदर में अगर आप जाना चाहते हो तो जो भी पावर स्टेट बेंच के, मतलब जो भी ऑर्डर स्टेट बेंच ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल से आया हुआ है उससे आप हाई कोर्ट जा सकते हो, राइट। प्रिंसिपल बेंच जो होगा उससे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओगे, उससे आप हाई कोर्ट नहीं जाओगे, ठीक है। हाई कोर्ट में स्टेट बेंच से जब क्वेश्चन जाएगा तो वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए और डज नॉट इन्वॉल्व एनी इश्यू रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई रहा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। कहां से निकल करके जाएगा? डायरेक्टली प्रिंसिपल बेंच से निकल करके जाएगा। हाई कोर्ट में अगर आप जाओगे तो एपीएल 08 में आपने जाना है, राइट। और ये आप 180 days, 6 months नहीं, 180 days के अंदर में जा सकते हो। डिले कंडोन हो सकता है, लिमिट की जरूरत नहीं है, राइट। कम से कम 2 judges होने चाहिए। सर्कुलर देखिएगा, विच वन इज बाइंडिंग ऑन अथॉरिटीज अंडर द रिस्पेक्टिव स्टैट्यूट्स, राइट। तो जो भी सीबीआईसी के सर्कुलर्स है और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, तो क्या आएगा इसमें? उसके ऊपर एक केस है, दैट इज रतन मेल्टिंग वर्सेस वायर इंडस्ट्रीज। क्या बोलता है ये? सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इन सो फार क्लेरिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट दे रिप्रेजेंट मियरली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। सर्कुलर का मतलब ही वो था ना कि यार जो भी समझ नहीं पा रहे उसको समझाने के लिए एक्सप्रेसली सर्कुलर डाल दिया। दे आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट। नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग, सर्कुलर इज नेवर बाइंडिंग। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है आपको। इट इज फॉर द कोर्ट टू डिक्लेयर व्हाट पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट सेज एंड इट इज नॉट फॉर द एग्जीक्यूटिव। अ सर्कुलर व्हिच इज कॉन्ट्ररी टू द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैज रियली नो एग्जिस्टेंस इन लॉ। तो सर्कुलर बस डाल दिया और सर्कुलर में कुछ गलत सलत डाल दिया जो लॉ में नहीं है, तो बस उसको लॉ मान लेंगे क्या? जस्ट बिकॉज आपने सर्कुलर इशू किया हुआ है नहीं मानेंगे, ठीक है। एक सर्कुलर है, इन द लाइट ऑफ अफेयर्स जजमेंट सीबीआईसी 2015 की बात है, बिफोर जीएसटी इंस्ट्रक्टेड इज ऑफिसर नॉट टू फॉलो बोर्ड सर्कुलर्स कॉन्ट्ररी टू द जजमेंट्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। बट फिर भी ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम एज अ डिपार्टमेंट जो इशू करेंगे वो चेक करके इशू करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप चेक करिए, ऑफिसर को बोला हुआ है। चलिए एनी विच वेज, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। प्रिंसिपल बेंच जो है उससे निकल के जा सकते हो जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई है, या जहां से हाई कोर्ट से निकल गया हो वहां से जा सकते हो, ठीक है। तो अपील्स टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट में आप जा सकते हो एपीएल 08, जो भी स्टेट बेंच के ऑर्डर है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए और नॉट प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए। 180 days फ्रॉम ऑर्डर होना चाहिए, कैन कंडोन अप टू एनी लिमिट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो, ऑर्डर पास बाय प्रिंसिपल बेंच होना चाहिए या फिर ऑर्डर पास बाय हाई कोर्ट होना चाहिए, तभी आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। एक लास्ट पॉइंट यहां दिया हुआ है, पावर टू गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द टाइम लिमिट इन सर्टेन सिचुएशंस। अगर अर्थक्वेक हुए है, कोई एपिडेमिक फ्लड ड्रॉट वगैरह हुआ है, तो आप टाइम लिमिट एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। ये सेक्शन 31st of March 2020 से आया हुआ, बिकॉज पैंडेमिक के आसपास में इसको इंट्रोड्यूस करके दिया गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अगर हाँ तो मुझे पहले ऑनलाइन लेवल चैट बॉक्स में बताइए, रिकॉर्डिंग वालों कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए। पीडीएफ डाउनलोड करिएगा जाकर के किसी फाइन टैक्स टेलीग्राम चैनल से, सीएमए फाइनल का, उसमें आपको अलग से टैब दिखाई देगा, राइट। और अगले सेशन में मिलते हैं जहां पे हम एडवांस रूलिंग के बारे में बात करेंगे।